नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे सराय काले का हजरत निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन से द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन कैसे पहुंचे। सराय काले का हजरत निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन आपका पिंक लाइन ऑफ दिल्ली मेट्रो पर स्थित है और द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन आपका ब्लू लाइन ऑफ दिल्ली मेट्रो पर स्थित है। आपको सराय काले का मेट्रो स्टेशन से मेट्रो पकड़नी है फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 2। उसके बाद पड़ेगा आपका आश्रम, विनोबापुरी, लाजपत नगर, साउथ टैक्स, दिल्ली हाट, सरोजनी नगर, भिकाजी कामा प्लेस, मोती बाग, दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस, दिल्ली कैंट, नारायणा, मायापुरी और फाइनली आप पहुंचेंगे रजौरी गार्डन पे। रजौरी गार्डन आपका इंटरचेंज स्टेशन है पिंक लाइन और ब्लू लाइन का। रजौरी गार्डन से आपको मेट्रो पकड़नी है जो आपकी द्वारका की तरफ जा रही हो फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 2। जैसे आप रजौरी गार्डन से मेट्रो पकड़ेंगे आपका अगला स्टेशन आएगा टैगोर गार्डन, सुभाष नगर, तिलक नगर, जनकपुरी ईस्ट, जनकपुरी वेस्ट, उत्तम नगर ईस्ट, उत्तम नगर वेस्ट, नवादा और फाइनली आप पहुंच जाएंगे द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन पे। टोटल जो आपका डिस्टेंस कवर करेंगे मेट्रो के अंदर सराय काले खां से द्वारका मोड़ का वो होगा आपका 31.5 किलोमीटर। जो फेयर लगेगा वो लगेगा 40 रुपए। टोटल टाइम जो आप मेट्रो में बताएंगे वो बताएंगे 53 मिनट। जो स्टेशन आप कवर करेंगे इंटरमीडिएट वो होंगे 22। द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन पे आपको उतरना है। द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के 2 एग्जिट गेट हैं। गेट नंबर 1 से बाहर जाएंगे विपिन गार्डन की तरफ, गेट नंबर 2 से जाएंगे रामा पार्क की तरफ। इस मेट्रो स्टेशन पे आपकी पार्किंग की सुविधा अवेलेबल है। इस मेट्रो स्टेशन पे आपकी फीडर बस की भी सुविधा अवेलेबल है और इस मेट्रो स्टेशन पे आपके लिफ्ट और एस्केलेटर की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन हमारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।